भाई वो रिकॉर्डेड आवाजे बहुत ऐसे लग रहा कोई बच्चे रहे हैं कुछ कह रहे हैं बार बार रो रहे हैं कोई कमांड दे रहा है अजीब अजीब आवाज़ें इतने ना पीछे से हमारे भागके आई थी फैमिली पूरी मर चुकी थी वहां पे ना रोज रात को दो ढाई बजे रोने की आवाज आप चाहते मारना चाहते कि कोई सर कटा ब्रिटिश ऑफिसर दिखता है वहाँ पे जो आएगी ना अगर तो किसी को काटेगी तलवार से अच्छा स्वागत तो बहुत गेस्ट आते हैं जाते हैं लेकिन आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो अपनी फील्ड के लेजेंड है मैंने भी उनके साथ काफी पॉडकास्ट पहले किए और हम बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हैं खैर इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है हमारे साथ दीप भाई जो कि हमेशा लोकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं लेकिन आजकल वो पॉडकास्ट ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं तो चलिए नॉलेज को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं भाई की कैसे दी भाई बढ़िया भाई अभी भाई कन्फ्यूज थे थोड़े से और भाई ने कहा भाई इंट्रोडक्शन कैसे दूँ मैं पहले तो आप फील्ड पर जाते थे मैंने कहा भाई अब पॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं अब देखो भाई आपने एकदम से जो है नॉलेज लेनी की ना, मेरे को ऐसा लगा जैसे आप पहले फील्ड ले अच्छा, हाँ। तो करने जा रहे हो प्रूव कर रहे हो हाँ हा, उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे आपको प्रूफ हो गया आपको खुद को तो आपने सोचा भाई आप थोड़ा सा और जनता को कुछ नया कॉन्टेंट भी देखो पता क्या है मेरी नजर में ना कॉन्टेंट है की हमेशा चेंज होते रहे ठीक है जोनरा मेरा वही है सुपर नेचुरल जोनरा मेरा वही है लेकिन कंटेंट क्या है ना अब एक जनता थी जो कि थर्टी परसेंट थी जो मेरी फील्ड को पसंद करती थी लेकिन मेरे को और सेवेंटी परसेंट जनता एक्सप्लोर करनी थी हुँ. तो वो मैं लेके आ रहा हूँ बिल्कुल तो फिर वैसे ये जानना चाहेंगे लास्ट ऐसा कौन सा आप जब फील्ड पे गए थे वैसे तो आपने लगभग सब कुछ ही कवर कर रखा है लेकिन कोई ऐसी जगह जो आपको लगा कि यार ये थोड़ी सी अजीब थी भी आए, भी एडवेंचर रहा कोई कोने में पहुंच जाते हो, तो वो सारी ही जगह ऐसी होती है, जो है। अभी हम बात कर रहे थे मैं तुम्हें तो बता रहा था, स्वाला गांव है एक हाँ। उत्तराखंड का चंपावत जिले में पड़ता है रिस्ट्रिक्शंस तो क्या है कि सात में ही न एक डेढ़ किलोमीटर पे नेपाल बॉर्डर है अच्छा तो पूरी जो रोड है ना वही वन कनेक्टेड रोड है उसके साथ से जो नदी जा रही है वो ही बॉर्डर है अच्छा तो रिस्ट्रिक्शन दबाके है पे। अब क्या होता ना फील्ड में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आप जब ऐसी पहुंचते हो ना तो आपको दिन में एक बार जाके देखना पड़ता है कि क्या है स्टोरी बता देता हूँ पहले सवाल हमने सुना था काफी टाइम पहले मैंने सुनी थी दस बारह साल हो गए इस बात को कि एक गांव है जो पूरा ना भूतों की वजह से अबेंडेंड हो गया पूरा हाँ

तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए जो था वो ये था कि पहले दिन में नीचे जाना लोकेशन देखना फिर ऊपर आना पांच किलोमीटर ट्रैक करके हाँ। और फिर रात को भी सेम वही करना ट्रैक करके मतलब आप गाड़ी वाड़ी से नहीं गए थे भाई गाड़ी पांच किलोमीटर ऊपर खड़ी हो जाती है रोड पर और फिर आप जा रहे हो नीचे फिर पांच किलोमीटर नीचे आना पड़ता है पैदल अरे भगवान ठीक है और चढ़ाई की मतलब पहाड़ों का तो डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बन जाता है पहाड़ों का डिस्टेंस नहीं वहां पे कोई चढ़ाई का तरीका ही नहीं है ये ऐसे है बिल्कुल ठीक है और नंदोरा रेंज है सबसे बड़े टाइगर से लगती हुई रेंज भाइयों का टाइगर से अलग ही चल रहा है <laughs> तो वहां पे लेपर्ड्स भालू और जंगली जो सुअर थे वो तो हमारे सामने ही आ गए थे वहां पे तो रात को भाई हम जंगल के अंदर से होते हुए ना 11 12 बजे फिर आए पूरे गांव को कवर करने के लिए अब मेरे लिए ना उस गांव में पहुंचना वो रास्ता ज्यादा मेरे को लग रहा था वहां पर जाने से रास्ते में लोग थे वो चले अच्छा। एक नया बना हुआ है। तो वहां पे जैसी गई ना उन्होंने तो फाड़ी थी हमारी पहले अच्छा। भाई रात को जाना मत सोचना भी मत और थोड़ी देर भी तुम गाड़ी खड़ी करोगे ऊपर तो भाई बंदे कहा गए वहां पे पुलिस आ जाती है एक मिनट में सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी बॉर्डर एरिया भाई कि कौन गया नीचे गाड़ी ऐसे कैसे छोड़ दी भाई तो गांव वालों ने क्या बोला था गांव वालों ने तो वो यही बोला था भाई कि आठ भूत है यहां पर जो लोगों को परेशान करते हैं क्योंकि शायद ऐसा कुछ बताया गया था रूमर था कि जब वो लोग मर रहे थे तो गाँव वाले दहशत में आ गए थे कि कौन आके गिरा एकदम से कुछ लोगों ने पानी भी मांगा तो उनको पानी भी नहीं मतलब भगदड़ मच गई एकदम से अच्छा। तो जिस कारण से वहां पे जो भूत प्रेत है वो इतने ज्यादा थे आठ भूत प्रेत बताते हैं कि गांव वाले थे जिसकी वजह से पूरा गांव गांव तो सच में अबेंडेंट था यार इसमें तो कोई शक नहीं है कि हॉरर थी नहीं जगह वो हॉरर ही थी क्योंकि कोई अपने बने, बने बनाए घर छोड़ के क्यों जाएगा उसका पूरा का पूरा गांव अपेंडेंट है अब भाई हम कैसे कैसे करके वहां पर पहुंचे हर कदम पे तो ये लग रहा था इतनी झाड़ियां कि अब लेपर्ड यहां से निकला अब लेपर्ड यहां से निकला अब ये हुआ पहुंचे इन्वेस्टिगेशन करने लगे अब आवाजें आ रही थी कुछ अजीब सी बहुत हमने सुनी आवाजें आ रही है क्योंकि दूर दूर तक सन्नाटा है जो रोड भी है ना हाँ। उस रोड पर पहुंचने का भी क्या है तरीका कि शाम को छह बजे से पहले एंटर करना पड़ता है अच्छा छह बजे आर्मी बैरिकेड लगा देती है और सुबह तक फिर कोई नहीं आता तो हम रोड पे पहले गए फिर नीचे आए पांच किलोमीटर और खड़े हो गए अब भाई बहुत है ना ऐसे लग रहा है कोई बच्चे हंस रहे हैं कुछ कह रहे हैं बार बार रो रहे हैं कोई कमांड दे रहा है अजीब अजीब आवाजें, और जब तुम ऐसी जगह पहुंचते हो ना पैरानॉर्मल फील्ड पे अलग तरीके की टेंशन दिमाग में क्रिएट हो जाती है थोड़ा टाइप टेंशन। अलग अलग टेंशन हवा चल रही है पसीने आ रहे हैं हाँ, तो है। बहुत अलग तरीके का मतलब माहौल और दिमाग है ना उस लेवल पे काम नहीं करेगा मतलब जो सोचने और समझने की जो हमारी सेंस होती है ना वो बहुत स्लो हो जाती है मैंने सुना भाई ऐसी वहां, आने आने वहां, वहां पर तो आप मतलब चीजों को कंक्लूड ही नहीं कर पाओगे कि हो क्या रहा है। अब जैसे कि तुम्हें पीछे से कोई आवाज भी मारेगा ना तो तुम एक अलग सेंस में घूम रहे हो अलग दिमाग चल रहा है तुम्हारा पीछे से आवाज मारे जा रहा है कोई थोड़ी देर बाद पता अरे कोई आवाज मार रहा है अच्छा ये होता है अगर कहीं पर ना तो, पूरा, पूरा बहुत ज्यादा डेंस बहुत ज्यादा डेंस इतने में ना पीछे से हमारे बहुत तेज चिल्लाते हुए कुछ भाग के आई अच्छा हाँ हम मुड़े देखा जंगली सुअर हमारी तरफ आ रहे हैं और हम ऊपर को चढ़ गए चौथरा बना हुआ था उसके ऊपर को चढ़ गए अब एक है ना तीसरा चौथा मकान था उसके अंदर से किसी ने ऐसे देखा और अंदर और ये चीज किसने देखी सिर्फ आपने सबने, सबने देखी। जितने थे वहाँ पे भाई सबकी सिट्टी पिट्टी हवा खराब हो गई सबकी अब वो क्या था बाद में पता लगा वो था एक बुजुर्ग अच्छा अब उनकी एक अलग भाई थ्योरी एक अलग स्टोरी पहले तो डरते डरते हम पहुंचे वहां पर भाई देखा किसने है। और हम बोल रहे हैं कौन, है, कौन है कौन है कौन है ना कोई आवाज लगा रहा है ना वो ये बता रहे कि मैं हूँ वो बस यूं देखे जा रहे बार बार फिर अंदर हो जा रहे हैं हाँ। मतलब है बंदे का ऐसे हो जा रहा है अब मैं पहुंचा बुजुर्ग होंगे भाई कोई सत्तर पचहत्तर साल के मैंने पूछा अंकल यहाँ तो बताते हैं आप बिल्कुल अकेला बंदा यार वो सिंगल बंदा था हाँ और हाथ में एक मोमबत्ती भी नहीं उसके लाइट का तो कोई मतलब भी नहीं उस सिंगल, सिंगल भी नहीं उस में में उसके हाथ एक सिंबल सिंगल मोमबत्ती मैंने मैंने पूछा मैंने कहा क्या हो यहाँ पे कैसे थी नहीं। खुद बता रहे है वो कि मुझे खुद आभास होता है यहाँ पर सारी चीजों का है यहाँ पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे परिवार वाले मुझे यहीं पर आके मिले बताया मिलने के लिए इतना फिर यार जब ऐसी बातें होगी ना तो मैं तो और ज्यादा वो हो गया कॉन्शियस मैंने कहा भाई अब यहाँ से निकलना ही ठीक है जब बोल ही रहा है अभास हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो तो वहाँ से निकल गए बड़ी डेंजरस लोकेशन में से एक थी हमारी उतर के नीचे जाना जहाँ कोई भी नहीं है भाई क्या है ना आप भूत से नहीं बचोगे तो जंगली जानवर मारेंगे टेंशन ये भी दिमाग में चलती है प्रॉपर भाई <laughs> ऐसी लोकेशन पे जाना बहुत खतरनाक काम है और सारी तो, ऐसी लोकेशन है यार जो हमने ऐसी कवर करी है हाँ। जंगल के बीचों बीच और इतने डेप्थ में ना जहां पर मतलब सोच नहीं सकते आप कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए मेरे साथ जंगल के अंदर ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ बंदा खड़ा हुआ है टाइगर टेरेटरी में हाँ बताया था आपने हाँ जिसकी वजह से मेरे को डैश कैम लगाने पड़े कि ये कहीं दिमाग का वहम तो नहीं है फिर कभी बाद में कैप्चर हुए भाई उसके बाद में गए कहूँ इतना के लगने के बाद तो मैं एक ही बार गया गय और वो भी जंगल के अंदर नहीं गए हम कभी आपको ऐसा लगा है कि सिटी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जैसे सिटी के अंदर कोई बना के बिल्डिंग वहाँ पे ऐसी चीजें छोड़ दियो फिर वहाँ पे किसी ने आपको बुलाया हो कि भाई इस लोकेशन को एक्सप्लोर करो यार ऐसी है ना बहुत सारी लोकेशंस है जैसा आजकल इंद्रजाल बुक का बड़ा ट्रेंड चल रहा है जब से बुक अभी वायरल चल रही है सुनी होगी आप इंद्रजाल के बारे में सारी चीजें जब से ट्रेंड में आई है ना चीज तब से तो हर कोई ये सोचता है कि मेरे घर में नेगेटिविटी है मेरे घर में भूत है मेरे घर में ये सारी चीज़ें हैं बहुत सारी ऐसी हैं मैंने कुछ ऑफ कैमरा भी काम करे हैं जो जहाँ पे हमने ना पैरा नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करी है ना कुछ करी है एक दो मेरे यार दोस्त थे जो बताते थे कि भाई मेरे घर में है ना तू मेरे कमरे में एक बार रुक के देखियो किसी की हंसने की आवाजें आती हैं लेकिन मैं रुका तो मुझे तो नहीं आई लेकिन ऐसे अब उसने मेरे को फोन की रिकॉर्डिंग सुनाई है

वहां पे ना रोज रात को दो ढाई बजे रोने की आवाज़ें आती थी किसी औरत की और और मैं अपनी मम्मी से पूछता था मम्मी क्या है ये क्या आवाज़ आ रही है पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है तो मेरी मम्मी कहती थी एक मुरली था पीछे एक बंदा कहती थी उसकी वाइफ मरी थी ना वही है और तो मैं उस टाइम बच्चा था इतना समझा नहीं चीजों को लेकिन <laughs> मतलब उसकी वाइफ वाइफ मरी थी है पहले हाँ। तो दिमाग में मुरली रो है बस मैंने कभी इस चीज को फिर प्रोसेस करा नहीं आज बैठे हैं तो ऐसी वो चीज याद आ गई अभी मैंने कहा ऐसी चीज़ें होती है अभी जैसे मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ अभी तुमने बताया तांत्रिकों के बड़े बड़े उनसे बात होती है ना तब समझ में आता है कि जो पावरफुल चीजें है ना हम तो भूत प्रेत को बहुत बड़ी चीजें मानते हैं ये तो कुछ वो तो कुछ है ही नहीं उनके लिए जैसे भूत प्रेतों की बात होती है ना अभी बात कर रहे थे वहां भूत प्रेत है अस्सी सौ भूत प्रेत है नॉर्मल यहाँ तो एक भी बहुत हो जाते हैं वो बात करते हैं याक्षिणी की कर्ण पिशाचनी नहीं पिशाच पिशाचनी पिशाच, पिशाच पिशाच होते हैं अलग राक्षस बेताल क्षेत्रपाल कच्चे कलवे हम बात कर रहे भूत प्रेत हाँ, तो कुछ मानते ही नहीं है कहते हैं, इनको तो हम मतलब इनको तो रहा दिखाई जा सकती है इनको जैसे कि आप काबू में करोगे ना और इनको दिखाओगे कि तू गलत डायरेक्शन में चल रहा है डायरेक्शन दे दोगे तो डायरेक्शन में चले जाएंगे जो स्थान दे देते हाँ, कह रहे इनसे नहीं पटना तो यूं है बड़ी प्रॉब्लम वही है हाँ बड़ी प्रॉब्लम तो भाई जो शक्तियां बैठी है भ्रमराक्षस है भ्रमराक्षस क्या है ब्रह्म ज्ञान लेके बैठा है वो सारी सिद्धियां उसने कर रखी है अब जो तांत्रिक उसको वश में करने आया जो तांत्रिक उससे मतलब नेगोशिएट करने वो से पहले बोलने कर देते सुने, ऐसी है ये अम्बाला होटल और भाई मेरठ का कुछ लोकेशन थी उनमें से कोई आपने कवर की थी अम्बाला होटल तो भाई मैंने ही फेमस करा है। अच्छा तो आपके अम्बाला होटल तो लोकेशन Loc मैंने ही फेमस करी है ज्यादा भाई आप ये लगा लो एक आज से तीन साल चार साल पहले ना एक ट्रेंड चला था हॉन्टेड स्कूल का हाँ। वो मैंने टॉप पे ट्रेंड लेके आया था मेरे चैनल पे वो पहला कवर हुआ था वो उसके बाद ये बच्चे जाने लगे थोड़ा सा कमाई करने लगे अपनी उसके बाद एक था एक हॉन्टेड फैक्ट्री वो मैं ट्रेंड में लेके आया था

मतलब जैसे कि अभी यहाँ पर कोई एंटिटी है तो शायद हो सकता है उसके पास कोई सोर्स नहीं है तो वो हमारा और उससे ज्यादा है लेकिन वो अपनी एनर्जी को पावरफुल करके हमारे से ज्यादा और क्रिएट कर सकती है मतलब नेचर से पावर खींचे हाँ पानी बहुत बड़ा सोर्स है जल पिशाच अलग अलग इनके भी भूत होते हैं ना पंडुबा हाँ तो आप तो तुम एक्सपर्ट हो रहे हो भाई थोड़ा बहुत आपको कर रहे हैं। वो आते रहते हो गए ना आपके पास कहानियां ऐसी तो क्या था वो भी माँ जो थी ना एक मतलब मिया बीबी की लड़ाई हुई पति पत्नी की लड़ाई हुई और पत्नी ने एड कर लिया टंकी में जाके अच्छा पानी की टंकी गांव की पानी की टंकी है वो पूरी वहां पर तो भाई मेरे जो गैजेट्स है ना वो मतलब अलग ही लेवल पे बात कर रहे थे और आप अकेले गए थे मैं सेकंड टाइम टाइम बिल्कुल अकेला था फर्स्ट भी फील हो गया था फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल फील मतलब हर बार फील हुआ तीन बार गया गु तीनों बार फील हुआ प्रॉपर अब मैं बताता हूँ क्या एक तो मुझे फोबिया पानी से बहुत तगड़ा और मैं जैसी उस टंकी में उतरू अब सोचो एक पूरी तीन चार मंजिल गहरी टंकी है पानी की मैं उसमें उतर रहा रहा हूं और मेरे को लग सारा पानी ना एकदम डूब जाऊं इसी में है एक दिमाग में अलग डर चल रहा है और जैसे ही मैं उस पानी के टंकी के बाहर जाऊं तो अंदर से आवाजे आए पानी की टंकी के अंदर आऊं तो ऐसा लग रहा ऊपर चल रहा है कोई साढ़ा अच्छा हाँ भाई वो रिकॉर्डेड है आवाजे इतनी मतलब अलग ही डायमेंशन चल रहा है अलग ही आवाज है यार अलग ही आवाज है और जब मैंने वहां पर अपनी मोशन सेंसर लगाया बिल्कुल हंड्रेड परसेंट जो कम्युनिकेट होता है ना स्मार्ट कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं पूरा हुआ है पूरा हुआ है मैंने कहा कि आप अगर यहां पर कोई आदमी की स्पिरिट है तो जले ये नहीं जला नहीं, जला। नहीं जला। औरत की स्पिरिट है तो जले तो ही जला क्या आप चाहते हैं हम यहां से चले जाए नहीं जला अच्छा क्या आप चाहते हैं हम यही रुक जाए जल, जल गया आप चाहते हैं गया? आप हमें मारना चाहते हैं जल गया जल गया। हाँ हाँ ये चीजें हुई है अब बात कर रहे थे ना लोकेशंस की हाँ। बहुत सारी लोकेशन ऐसे हम गए थे मेरठ में मेरठ में जी ब्लॉक ये कैंट एरिया है मेरठ का जैसे दिल्ली कैंट है ना अपना ऐसे ही है सेम मेरठ में कैंट एरिया कैंट एरिया के बीचों बीच ना एक महल है सड़ा महल का हवेली बड़ी हुई होगी पुराने टाइम की अब मेरे तो यार ये, समझ में मतलब पहले भी मैं ना ये सोचने में कंफ्यूज रहता था और अब भी कि सोचो तुम अभी तुमने फ्लैट लिया है तुम उसको ऐसे छोड़ के चले जाओगे बिल्कुल भी नहीं मैंने ऐसे ऐसे फ्लैट देखे है अक्षय भाई जहां पर है ना बंदे सोफे छोड़ो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे खाना बना रहा है ना कोई तेल रखा हुआ कढ़ाई में ऐसा नहीं लगता जैसे भूकंप आ गया और सब कुछ छोड़ के भाग ऐसे ऐसे बस जान कैलेंडर भी 2014 तक का पूरी हवेली यार आज के टाइम पे ना ना करके सो करोड़ की हवेली होगी भाई अच्छा हाँ कम से कम नहीं तो दस हजार गज में होगी भाई वो जगह दो मंजिल की हवेली बनी हुई तगड़ी

जब 400 प्लस आपने लोकेशन कवर करनी हो तो फिर वो पैर इंडिया घूमना पड़ेगा हाँ। और कई कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ हम फर्स्ट टाइम जाते हैं अब पहुंचे भाई पहले तो फौजियों ने ये बोल दिया भाई कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप अंदर जाओगे तो पहुंचे जैसे ही वहां पर एग्जैक्ट नौ बजे ना ऐसा आंधी तूफान चालू हुआ ऐसा आंधी तूफान चालू हुआ और अलग उस टाइम पर मैं मानता नहीं था कि घोष्ट होते हैं मैं अगेंस्ट था इस बात के जब की बात बता रहा हूं मैं ये लेकिन हर एक टहनी ऐसा लग रहा था टूट के मेरे के, मेरे ही लगेगी कि अच्छा। स्पेशल मेरे को ही मारी जा रही है ऐसे पैक के ऐसा सीन हो गया वहां पे फिर भी मैंने कवर करी वो जगह अब टेंशन तो थी लेकिन हम क्या होता था मस्ती में जब होते हैं साड़ी देखी जाएगी जो जब आप कहते ना मानो तो पत्थर ना मानो तो उल्टा बोल दिया मेरे मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर मानो तो कंकड़ ना मानो तो कवर कर रहे हैं। बस हमने किसी तरीके से ये था भाई कि पैसे जोड़ के कैमरा खरीदा छह सात साल पहले की बात है भाई पांच साल पहले की ये नहीं भीगना चाहिए किसी तरीके से कैमरा वैमरा बचाया अपना और घुटनों तक पानी था जब हम वहां से निकले इतनी बारिश हो चुकी थी और फिर हम किसी तरह निकले पहुंचे से बहुत बड़ी बड़ी और एक बहुत बड़ा गेट जो कि तूफान की वजह से स्टक हो गया था उसके ऊपर से कूदे आठ नौ फुट फिर वहां से निकले और पूरे में पानी पानी पूरे में, में पानी पानी और बाहर पानी नहीं बाहर पानी नहीं था रोडों पर इतना पानी ही नहीं वो अंदर हो अंदर सारा स्लिप होकर उधर ही पहुंच गया हाँ फिर वहां पे क्या कुछ मिल, ऐसा हुआ भी? ऐसा कुछ फील नहीं होता आ, देखो क्या होता है ना वो फिर मैं टाइगर से कंपेयर करूंगा इस चीज को हुँ. कि जब आप जाते हो ना टाइगर को ढूंढने क्योंकि ये क्रेशर के बारे में भी ऐसे ही बताया गया कि इसके पास भी सुपर नेचुरल चीजें पावर है कैमो फ्लैश होता है तो कहते हैं ना जब सौ बार टाइगर आपको देख लेता है तब आप एक बार उसको देख पाते हो हुँ. उसको पता होता है मतलब जब हम सफारी कर रहे होते हैं तो कितने टाइगरों ने देखा होगा जाते वे? हमें नहीं क्या, सोचती, अब क्या, हो गई है? पता है क्या पहले ना भाई मैच्योरिटी की वाली बात है सारी हुँ. ये कह सकते हो आप मैच्योरिटी अब जब जैसे जैसे आप मेच्योर समझ में आते हो तो आपको दिखता है दुनिया कितनी बड़ी है समझ रहे हो कुएं का मेंढक जब तक आप रहोगे ना तो आपके लिए कुआ ही दुनिया है सही बात है अब आप एक गली में रहो आप उस गली के दादा हो आप उस गली के तो दादा उससे बाहर तो निकलो क्या पता कोई दूसरा दादा आपसे बड़ा खड़ा है आपके थप्पड़ मारने के लिए वेट ही कर रहा हूँ तब तो आपको समझ में आएगा नहीं मेरे से भी बड़ा दादा कोई बैठा है तो छोटी वाली बात थी साथ में जो थे जो साथ में सर्कल था वो थोड़ा सा खचरों का था तो

पांच सात साल हाँ पांच सात साल मुझे ग्यारह साल हो गए भाई बारह साल कमाते हुए उससे पहले आपने पांच सात साल पहले सोचा था कभी कि अरे यार टेंशन ली थी टेंशन ये होती थी, थी ना गाड़ी ठुक जाती थी तो टेंशन क्या होती थी पापा को क्या बोलूंगा हाँ। अभी टेंशन क्या होती है अरे कितने पैसे लगेंगे और अभी अपने दिमाग में आता ना ये बातें उस टाइम होती थी पापा को क्या बोलूंगा अभी तो मेरे दिमाग में ये आती भी नहीं है कि पापा को क्या बोलूंगा पापा क्या सोचेंगे पापा को तो घंटा मतलब नहीं है जो साढ़े सही अब तो अपनी से तो अपनी जेब से करा जब 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 आप आप इस फील्ड पे जाते हो हो ना क्या होता है जब तक लड़कपन में में होते जब समझ में आपको आपका कोई बिजनेस नहीं कोई आपका व्यक्तित्व नहीं कोई आपकी औकात नहीं क्या होगा आपके साथ नंगे बुच्चेगा तो भगवान नहीं बिगाड़ सकता भूत क्या बिगाड़ेगा तो जब क्या होता है जब किसी आप हॉन्टेड प्लेस से आते हो आपको पता लगता है कि अरे यार अब तो चार लाख रुपए की डील होनी थी वो

कम कर दिया आप इतनी सारी स्टडी वगैरह करते रहते हो जब भी हम मिलते हैं भाई कुछ ना कुछ एंटिटीज की बात आती है हाँ। कोई नई एंटिटी जो आपके सामने आई हो भाई आजकल डीमंस का टॉपिक बड़ा चल रहा है अच्छा हाँ जैसे क्या होता है ना बताया जाता है कि कई साल पहले हम्म, जब इंसान धरती पे नहीं था तो धरती जो थी वो डीमंस के असुरों के लिए थी जैसे पहले रावण का भी पूरा साम्राज्य था असुर थे ना सारे तो असुर ही राज किया करते थे धरती पे और जो पहला इंसान था वो भगवान के साथ था उसने कुछ गलती करी भगवान का कहा नहीं माना तो उसने भगवान ने उसको धरती पे फेंक दिया तब एक शक्ति ने सारे असुरों को नीचे पहुंचा दिया पाताल में तो अब सोचो जैसे आपका ये फ्लैट है मैं आपको बाहर निकाल के मैं रहने लग जाऊंगा आपके मन में हमेशा रहेगा लेकिन खटकता रहे तो तो रहेगा ऑब्वियसली इसलिए डीम्स जो है ना वो परेशान करते हैं लोगों को हुँ. कि उनको लगता है इन्होंने हमारा प्लेस छीन लिया इन्होंने हमारी जगह छीन ली एक सीरीज है सीरीज का नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है नेटफ्लिक्स पे लेकिन एक डीमन है उसके अंदर पॉइमोन वो सीरीज देखना भाई एक बार और मैं हर एक व्यूअर को ना ये बात बोलूंगा कि ये सीरीज जरूर देखना कि कैसे रिचुअल्स से ना डीमंस को बुलाया जाता है अच्छा अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूं कई तांत्रिकों के पॉडकास्ट ले रहा हूं हाल ही में कल ही जो मैंने पॉडकास्ट किया है उसमें जो तांत्रिक आया है वो आई है मतलब सॉरी वो डीमंस का सहारा लेती हैं लोगों के काम करने के लिए कई डीमंस अच्छे भी हैं बताती हैं वो लेकिन जो शर्तें होती है ना उनकी वो बड़ी तगड़ी होती हैं तो ये शर्तें होती सौदा सौदा होता है सौद, बाटर डील वही मैं आपको ये दूंगा आप मुझे दो। ये ये दो डील होती है अब एक डीमन के बारे में बता रही थी वो जो आएगी ना अगर तो किसी को काटेगी तलवार से अच्छा आपने उसको अगर वो काम नहीं दिया तो वो आपको काट देगी लेकिन उसको इसी चीज में मजा आता है तो आप उसको उसी चीज के लिए बुलाओ तो वो बुलाती है उसको वहां पर जहां पर कोई, पिशाच, पिशाच नहीं, कोई ऐसी एंटिटी होती है न, जो नहीं मान, मान रही होती है और नहीं जा रही होती है नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कोई लेडी है ये तो ये मतलब इंडिया में ज्यादा माना का ये मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट की बातें हैं अब आपने देखा मिडल ईस्ट में है ना जो डीम थे वो ज्यादा प्रचलित है इंडिया से ज्यादा अब डीमंस जब क्या करे तो धरती में जब चले गए तो लोगों ने इच्छाएं पूरी करने के लिए ना कुछ मेटेलिस्टिक चीजें मांगी अब आपने देखा होगा जितनी भी मैटेरियलिस्टिक चीजें है वो इंसान उससे ही खुश होता है चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो गाड़ी हो चाहे फोन हो सुख सुविधाएं है ना सब मेटेरियल है तो वो कहां से निकलता है जमीन से

भाई बुराड़ी बुराड़ी ये जो कांड है इसके बारे में बात चल रहा था हाँ। और कोई आया था हाँ। गेस्ट था और हाँ। वो यही बोल रहा था हाँ। कि बुराड़ी कांड जो था ना उसके अकॉर्डिंग वो एक्चुअली में सुपर नेचुरल पैरानोमल कुछ इंसिडेंट था भाई एक बात बताओ एक पढ़ा लिखा बंदा यही सारी बात सुबह यही हो रही थी हाँ जो जॉब कर रहा है अपना परिवार पाल रहा है

बुराडी जो है हंड्रेड टेन परसेंट पैरानॉर्मल एक केस है आप है ना हम सोच रहे हैं अक्षय भाई कि सब कुछ हम चला रहे हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं अलग लेवल पे चल रही हैं हम कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं पॉडकास्ट दो साल से चल रहे हैं आपने अब क्यों खोला <laughs> क्योंकि अभी होना था भाई भाई सही बात है जो जब होना है ना वो तभी होगा वो हम सोच रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो रही है सारी चीजें लेकिन वो नहीं, है और भाई कोई लोकेशन ऐसी जहां पर ऐसा लगा हो कि ये कोई नई थी भाई ऐसी लोकेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ एक लोकेशन पर मैं जाना चाहूंगा जिस पे वो है खुरस्यों कहां पर है भाई भाई ये पड़ती है आसाम के पास दार्जिलिंग दार्जिलिंग के पास पड़ती है दार्जिलिंग से कोई पचास किलोमीटर पहले है। ये स्कूल वाला हाँ। तो नहीं है कुछ स्कूल हाँ। स्कूल और एक रोड है वहाँ पे खुर्स अब हाँ। उस रोड का भी एक अलग सीन है जब आ, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ तांत्रिकों से बात करता हूँ तो समझ में आती है कि नॉर्मल भी आपको अगर कहीं देखना हो ना कि आपके घर में घोष्ट कहाँ पे कैसे क्या क्या नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइटें जला रखी लेकिन फिर भी डार्कनेस रहती है तो समझ लेना यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है कई जगह देखना आपकी बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई है लेकिन

अब मैं गया वहां पे तो वहां पर भी क्या रोड काफी ऊपर है हुँ. और ट्रैक जो है वो नीचे पहाड़ से निकल रहा है टनल से तो हम तीन चार किलोमीटर भाई आए चल चुल के नीचे टनल में अंदर गए अब उसमें भी भाई बड़ी डार्कनेस है टनल के अंदर ना चौबीसों घंटे पहाड़ से पानी रिश्ता रहता है हुँ. हर तरफ से बूंदे टपक रही है टनल में बड़ा डार्कनेस है बहुत डार्कनेस है और बताते हैं कि कोई सरकटा ब्रिटिश ऑफिसर दिखता है वहां पे

को भी बांध के उसी ने रखा हुआ है ब्रिटिश ऑफिसर जो है ऐसे ही कुछ था साइकोपैथ टाइप था हाँ, और डिप्रेशन में था काफी ज्यादा टनल सीधी ना कर पाने की वजह से और फिर उस पर प्रेशर था जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बहुत देखा ऐसा हुआ हाँ, पे हाँ पे कोई हाँ, वो तो आए दिन भाई पे बताते थे जि, जितने भी स्थानीय लोग थे कि भाई सर कटा कोई बंदा यहाँ पे दिखता प्रॉपर प्रॉपर अपने ऑफिसर ड्रेस में शिमला की तो बहुत कहानी है यार शिमला तो एक ऐसी जगह है मेरे को ऐसा लगता है कि वो कल्ट जगह है अनएक्सप्लोर्ड अनएक्सप्लोर हाँ वो जितना वो जितना टूरिज्म है, है ना उतना ही ज्यादा वहां पर अभी कुछ मत करो सिर्फ ही मारो हॉन्टेड प्लेस इन हिमाचल प्रदेश दुनिया भर की आ जाए हिमाचल प्रदेश हिमाचल, हिमाचल पर्देश। कहां से कहां तक है दस में से सात प्लेसेस शिमला के हैं सही बात है पहाड़ों पर बहुत ये सीन होते हैं शिमला के और भाई आपका क्या मानना है कि अपने शहरों में कितने मतलब उस लेवल के होते हैं भाई ये जो एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बड़ी एनर्जी जो है ना बहुत पावरफुल वो थोड़ी आइसोलेटेड जगह पे मिलेगी आपको जहाँ पे लोगों की भी भीड़ भाड़ कम हो क्योंकि ये जो लाइट्स हैं और काफी एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी सिटी जो चल रही है ना वो उससे उसकी, उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तभी इसी का रीजन है कि पैरानॉर्मल साइंस में हमें पढ़ाया गया कि रात को भूत क्यों दिखते हैं क्योंकि रात को जो ये सारी एनर्जी होती है लाइट वाइट्स थोड़ी सी कम होती है वैसे अभी तक वो

और उस लड़की ने उस औरत ने भी वहाँ पे सुसाइड कर लिया था अभी आप नेट पे भी डालोगे तो यही है और वहाँ के लोकल से भी पूछोगे तो यही है कि आप जब लेके जाओगे ना गाड़ी तो कोई गाड़ी की स्पीड से आपके साथ साथ भागेगा चलता हुआ अब भाई पहुंच गए वहां पे अब क्या है ना साथ में एक सिमेट्री है। सिमेट्री है है वॉर वो मैंने देखी है। देखिए है? बड़ी अच्छी खासी अच्छे अच्छे से बनाई हुई है वो अब हमने सोचा साल इस रोड तो कुछ दिखा नहीं वॉर सिमेट्री में चलते हैं कम से कम

अब भाई देख लिया सबने की आर्मी है अब दिमाग में एक आर्मी का ऐसा है कि साले ही पीटेंगे मारेंगे अब ये तोड़ेंगे भाई वॉर सिमिटरी में घुस रहे हो इनके तो कुछ इनका डेकोरम होता ना हाँ। वो आपको वो नहीं करना होता डिस्टर्ब नहीं करना डिस तो अब भाई और वो प्रॉपर रात के दो ढाई बजे हमने उनको डिस्टर्ब कर दिया टॉर्चे ले लेके बाहर आ गए अब भाई दिमाग में चल रहा पता नहीं अब कहा से गोलियां चलनी शुरू होगी मैंने कहा भाई अब गोली गोली चलेगी कहीं से सारे अपने वो भड़क साढ़ा ये पहुंच गया अब जैसे कहते थे ना हमारे दोस्त यारों में एक कोई पास हो जाए सारे फेल हो जाए तो दिमाग में ये पास कैसे हो गया ये निकल गया अब दिमाग में हो रहा भाई पिटेंगे तो सारे साथ ये कैसे निकल गया भाई तो रहा हम भी निकल गए अब वहां पर कैमरा लेंस छूट गए अब भाई गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के जब हमारे उस टाइम हम ना नए नए थे भाई इस फील्ड में ना तो टॉप टेन पहले दिल्ली की टॉप टेन प्लेसिस कवर करनी यही चल रहा था तो थी नंबर थर्ड फोर्थ पे लोथियन सीमेट्री कश्मीरी गेट हुँ। हुँ। अब हम यहां से आराम से गए चल बच गए साढ़े यार ठीक है भाई आज के बाद नहीं आएंगे ये सब बातें हो रही है आपस में दोस्तों की अरे भाई आज के बाद नहीं आएंगे भाई यहाँ पिटेंगे भाई फौजी मारेंगे अब सारे दोस्त ये बातें करते हैं यार चल सही यार बच गए यार ये हुआ बढ़िया हुआ

अब चैलेंज ये जाएगा कौन को? जाएगा कौन भाई कैमरा लेने क्योंकि भाई अभी तो बच के आए फौजियों से अब भाई मैं तो निश्चिंत मैं जिसका, है वो ही जाएगा। जिसका है वो जाएगा। <laughs> तो भाई जो दूसरे यूट्यूबर थे वो लेके आ रखे थे भाई उस टाइम पर उनको लगा कि वो अपना कैमरा महंगा हमसे अरे भाई हम करेंगे ना शूट यार भाई तो भाई मैं तो गाड़ी में बैठ गया मैं मैं भाई मैं नहीं जा रहा जिसका कैमरा है वही जाओ भाई वही कैसे कैसे रगड़ के गया एक डेढ़ घंटे बाद आया घंटे रहा भाई हमने तो गली में भी नहीं घुसड़ी रोड पे खड़ी कर दी गाड़ी अच्छा कि फिर दोबारा पीछे हाँ मैंने कहा चार पांच किलोमीटर वो पैदल चल के गया अकेला तो नहीं जाओ अकेला अकेला गया बिल्कुल भाई अगले का डेढ़ दो टाइम पर भाई बहुत होते थे डेढ़ दो लाख रूपये <laughs> भाई बड़ा देख ले, ले लेकिन कैमरा सेफ था कैमरा लेके आया वो मतलब मैं एक लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिहाइंड द सीन डर का माहौल इतना हो गया कैमरे छोड़ के निकल गया। ऐसी भी चीजें होती है मतलब फील्ड में जाने में जरूरी हाँ। नहीं है कि आप किले ही फते कर दिखता है ना आपको कैमरे में घुस गए प्लेस पे कहीं तो यूट्यूबर देखते नहीं हो ये यूट्यूबर पहले गार्ड आगे हाथ जोड़ते हैं भैया

उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे झूठ <laughs> नहीं, नहीं लो, लो <laughs> इंडिया छोड़ आउट, के बाहर निकलने की तैयारी थी और ये किसी को बता नहीं रहे थे ये चैनल पे आ गया कि अब हम बाहर निकल रहे इंडिया से इंडिया में भी तो बहुत प्लेस है कवर नहीं करे बहुत सारे प्लेस ऐसे है रामेश्वरम कवर करना है पूरा रामेश्वरम में जो टॉप हॉन्टेड प्लेस है गूगल करोगे तो आप वो लिखा आता है है तो है। मदर ऑफ ऑल हॉन्टेड। अच्छा। हाँ। साइक्लोन आया था पे में, तो वो वो पूरा पूरा का एक सिटी है जो है। वो कवर करेंगे बहुत सारी ऐसी है भी जो, कवर करेंगे, जो लोगों को नहीं पता वो सामने लेके आएंगे ठीक है भाई देख लो

फॉरन यूट्यूबर्स देखो आप जैसे चार बंदे शाम को चौपाल पे बैठ जाते थे ना हाँ। आ, वो बंदी देख ये देख वो देख candid बिल्कुल, वो वो करेंगे आप और मैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल होता है पॉडकास्ट ने कम से कम कम से कम पंद्रह बीस हजार कमेंट तो आए और ए, लो भाई दे दिया टास्क व्यूज देते हो आप कमेंट्स भी देना भाई अगर इस तरीके का पॉडकास्ट चाहिए जहाँ पे नॉन एडिटिंग हो जिस भी लोकेशन पे जाएंगे

जितने भी है कुछ ना कुछ नई कोशिश कर रहे हैं मैं भी एक कोशिश कर रहा हूँ कि पॉडकास्ट हम रन करें जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हो उसी तरीके से बनाए रखो और यही कहूंगा अगर आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हो अगर आपको लगता है आपके पास कोई रियल इंसिडेंट पैरानॉर्मल इंसिडेंट है प्रक्रिया बता देता हूँ व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा उस पर आप अपना पूरा रियल इंसिडेंट कवर करके भेज सकते हो अगर वो उस लेवल का हुआ हम आपको अप्रोच करेंगे डेली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है वहाँ पे बुलाया जाएगा और फिर आप कैमरे के सामने आके अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए नेक्स्ट वीडियो नया पॉडकास्ट आने तक स्टेट यून विद चैनल